ओके, अब हम चल रहे हैं हमारी मॉडर्न टेक्निक्स की ओर। मॉडर्न टेक्निक्स में जो हमारा जो पहला टेक्निक है, इसको हम बोलते हैं MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये टॉपिक आपने पहले भी कभी कभी स्टडी किया भी होगा MBO के बारे में, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये टॉपिक रियलिटी में है क्या, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। रियलिटी में क्या होता है कि जब भी घर में भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है या कोई डिसीजन लेना होता है, तो कभी कभी घर का बड़ा बंदा डिसीजन ले लेता है और उस डिसीजन को सभी को सुना देता है कि काम ऐसे करना है और ऐसे नहीं करना है। तो जब घर में कोई अकेला बंदा डिसीजन ले लेता है दूसरों की राय पूछे बिना, तो कभी कभी घर के बाकी लोगों को अच्छा नहीं लगता। भाई हमसे भी पूछ लिया होता ये डिसीजन लेने से पहले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए, जब भी आप डिसीजन लो तो सामने वालों से भी विचार विमर्श कर लो, ये ठीक है ये ठीक नहीं है, मैंने घर के लिए ये पॉलिसी बनाई है, अब की बार हम इतना खर्चा करेंगे, अब की बार हमें मिलकर ये काम करने वाले हैं, मिलकर यहाँ घूमने वाले हैं। तो सामने वाले को आपने क्या किया, अपने उद्देश्यों के बारे में जब बताया तो सामने वाले को गले लगाकर आप काम में लेकर चले हो, मतलब सामने वाले को आप साथ लेकर चले हो। इसको हम बोलते हैं उद्देश्यों द्वारा सामने वाले को साथ लेकर चलना। कंपनी के अंदर, फर्म के अंदर जब भी हम अपने उद्देश्य निर्धारित करते हैं, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से समझना, कंपनी में या फर्म में अगर आप चाहते हो कि इम्प्लॉइज आपके साथ अपनापन बनाकर चलें, बहुत अच्छे से भाव से काम करें, तो आपको क्या करना है, इम्प्लॉइज को भी साथ लेके चलना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको क्या करना होगा, कंपनीज में फर्म में जो मैनेजर्स होते हैं, जब भी वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य निर्धारित करें तो सभी को इन्वॉल्व करके चलें। जब भी वो उद्देश्य या कंपनी के टारगेट डिसाइड कर रहे हैं, तो प्रबंधकों को, मैनेजर्स को क्या चाहिए कि इम्प्लॉइज को कंपनी की मीटिंग में पहले से बिठा लें। जब हम उनको मीटिंग में बिठा लेंगे तो क्या होगा, सामने वाले को अपनापन महसूस होगा, उसको लगेगा कि भाई देखो मैनेजर्स ने जो टारगेट डिसाइड किया वो मेरे को पहले से ही पता है। तो इम्प्लॉइज अब क्या करने वाले हैं, मन लगा के काम करने वाले हैं। मतलब कहने का क्या है, फर्म में जब भी अपने टारगेट डिसाइड करते हो, उद्देश्य को निर्धारित करते हो, तो इम्प्लॉइज को साथ लेके चलो। जब आप इम्प्लॉइज को साथ लेके चलते हो, सब कुछ उनको पहले से बता देते हो, तो उसी टॉपिक को हम बोलते हैं उद्देश्य द्वारा प्रबंध, बोले तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के अंदर क्या है, आप ध्यान से देख लेते हैं। तो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल की एक नई विधि है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट है और जो इम्प्लॉइज हैं, दोनों मिलकर संस्था के लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं। क्या कह रहा है यहां पे आपको, कि जो टॉप मैनेजमेंट है और जो इम्प्लॉइज है, ये दोनों मिलकर क्या करने वाले हैं, फर्म के ऑब्जेक्टिव्स को एक साथ डिसाइड करने वाले हैं। अब जब दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तो देखो कितनी बिलोंगिंगनेस होगी दोनों के अंदर, कितना दोनों के अंदर अपनापन होगा। फर्म के लिए वो भी काम करेंगे और वो इम्प्लॉइज के लिए काम करेंगे, तो अल्टीमेटली फर्म का गोल बहुत अच्छे से अचीव होने वाला है, जल्दी होने वाला है। तो इसमें हम क्या करते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो इंप्लॉइज हैं, संस्था के उद्देश्यों को एक साथ मिलकर पूरा करते हैं। तो प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर, मतलब मैनेजमेंट का जो भी लेवल होता है, हर लेवल पर हम क्या करते हैं, जैसे टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, इसके उद्देश्य अलग, इसके उद्देश्य अलग, इसके उद्देश्य अलग, मतलब जो भी मेरे पास ऑब्जेक्टिव हैं, उन ऑब्जेक्टिव को मैंने, उन उद्देश्यों को मैंने लेवल के अकॉर्डिंग अलग अलग डिवाइड कर दिया। तो उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के अंदर पहली बात तो क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट और जो इम्प्लॉइज है सब मिलकर काम करने वाले हैं, और लेवल्स के अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्टिव्स को डिवाइड कर देने वाले हैं। तो जब हम उद्देश्यों को डिवाइड कर देते हैं, तो अधिकारी व कर्मचारी अपने अपने उत्तरदायित्व निश्चित कर लेते हैं। मतलब जब हम काम बांट देते हैं, तो काम बांट देने से क्या होगा, हर कोई अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर लेगा कि ये मेरा काम, ये मेरी जिम्मेदारी, ये काम मेरी जिम्मेदारी। तो यहां पर ऐसा होने वाला है। तो संस्था में प्रत्येक कार्य उद्देश्यों व उत्तरदायित्व के आधार पर किया जाता है, इसलिए इसे उद्देश्यों द्वारा प्रबंध भी कहा जाता है। तो इस विधि के अंतर्गत ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों के आधार पर हम नई पॉलिसी बनाते हैं, तो इसके बाद हम एक काम शुरू करते हैं। तो इस प्रकार मैनेजमेंट द्वारा, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के आधार पर ही संस्था के हित में हम निर्णय लेते हैं, तथा कर्मचारियों के काम का हम मूल्यांकन भी किया जाता है। तो कर्मचारियों की योग्यता और कुशलता का मूल्यांकन करने की
अच्छी विधि है। मतलब इन्होंने क्या कहा कि जब भी हम उद्देश्य निर्धारित करेंगे तो इंप्लॉइज को साथ लेके चलेंगे। दूसरी बात इन्होंने क्या कही, उद्देश्यों को आप डिवाइड कर दो लेवल के हिसाब से। जब आप काम को डिवाइड कर देते हो तो हर इंसान अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ लेगा। तो अभी यहां पर उद्देश्य भी हो गए और जिम्मेदारी भी हो गई, तो हर कोई काम करना शुरू करेगा। फिर तीसरी बात इन्होंने क्या कही कि फर्म में अगर कोई चेंज हो रहा है, उस चेंजेस के बारे में सामने वालों को बता दो। चेंजेस के बारे में सामने वालों को पहले से बता दोगे तो सामने वाला विरोध नहीं करेगा, काम मिलकर करने वाला है। इस टेक्निक में टॉप लेवल मैनेजमेंट और मिडल लेवल मैनेजमेंट मिलकर काम करने वाली है। अगर कोई हम नई पॉलिसी बनाते हैं, नई रणनीति बनाते हैं, तो उस रणनीति के बारे में सबको नॉलेज होनी चाहिए। सभी मिलजुल कर काम करते हैं, तो मिलजुल कर काम करने की वजह से ही हम इसको बोलते हैं उद्देश्यों द्वारा प्रबंध। अब जब उद्देश्यों द्वारा प्रबंध कर रहे हैं तो मैनेजर इंप्लॉइज के बहुत नजदीक होते हैं, तो इसलिए जो मैनेजर्स होते हैं इंप्लॉइज की काम की चेकिंग करते रहते हैं, उनकी योग्यता के आधार पर और कुशलता के आधार पर। तो यहां पर दोनों बातें हो गई, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो गया और उनकी कामों की हम टाइम टू टाइम जगह जगह पर हर पार चेकिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा ये टॉपिक है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के टॉपिक के बाद हमको जो डिस्कस करना है वो है अप्रेजल बाय रिजल्ट। इसके अंदर क्या है, आप ऐसा लगा के चलो कि हम सामने वालों के रिजल्ट के बेस पर हम ये डिसाइड करेंगे कि सामने वाला काम अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है, सामने वाले के अंदर क्या एबिलिटी है नहीं है। तो सामने वाले ने जो हमको रिजल्ट दिए, रिजल्ट के बेस पर हम सामने वाले का परफॉर्मेंस चेक कर लेंगे, पता चल जाएगा सामने वाला बंदा बेस्ट है या एवरेज से भी नीचे है। तो इस मेथड के अंदर क्या करेंगे, हम सामने वाले के कामों के आधार पर ये चेक कर लेते हैं कि सामने वाला कैसा है। तो इससे हमको सामने वाले की कुशलता और योग्यता का भी पता चल जाता है, अदरवाइज ये बहुत मुश्किल होता है, हम सामने वाले के बारे में पता नहीं लगा सकते। तो अगर रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में है तो मतलब संस्था को क्या प्राप्त होंगे, फायदा प्राप्त होगा। तो कर्मचारियों को हम क्या मानेंगे, कुशल मानेंगे। मतलब अगर रिजल्ट हमारी फर्म के फेवर में है तो फर्म का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो रहा है। फर्म का ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है तो फर्म को बेनिफिट भी हो रहे हैं। फर्म को बेनिफिट हो रहे हैं तो हम इंप्लॉइज को क्या मानेंगे, एबल, और क्या मानेंगे, एफिशिएंट। अदरवाइज आप इसको रिवर्स कर लो। अगर हमको लगता है कि फर्म के टारगेट पूरे नहीं हो रहे, रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं है, फर्म का टारगेट पूरा नहीं हो रहा, फर्म के प्रॉफिट अच्छे नहीं हो रहे, इसलिए सामने वाले इंप्लॉइज को हम क्या बोलेंगे, सामने वाले इंप्लॉइज ना तो एबल है ना एफिशिएंट है। तो इस मेथड के अंदर हमने क्या किया, हम जो काम हो चुका है उस काम के आधार पर चेकिंग कर लेते हैं कि हमारे लिए सामने वाला बंदा कैसा है, एबल है नहीं है, कुशल है कि नहीं है। तो ये सारी बातें हमको पता लग जाती हैं। अगला जो मेथड है वो है हमारा सामने वाले के व्यवहार को देखकर, सामने वाले के बिहेवियर को देखकर हम डिसाइड करने वाले हैं। तो सामने वाले के बिहेवियर से हमको पता चल जाएगा। तो सामने वाले का जो बिहेवियर है ना काम के प्रति, उसके बेस पर हम सामने वाले को अंक प्रदान करते हैं, नंबर प्रदान करते हैं। तो सामने वाले का जो भी बिहेवियर है काम के प्रति, सामने वाले का जो भी एटीट्यूड है काम के प्रति, उन सारी बातों के आधार पर हम ये बात बहुत आसानी से डिसाइड कर लेते हैं कि सामने वाले का क्या एटीट्यूड है, क्या बिहेवियर है, सामने वाले के अंदर क्या क्वालिटी है, सामने वाले की कुशलता, गुण, लीडरशिप क्वालिटी, ये हमको बहुत आसानी से पता चल जाती है। और हमको ये भी पता चल जाता है कि सामने वाले का टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ कैसा संबंध है, और अगर कुछ परिवर्तन होता है तो परिवर्तन को तो वो विरोध तो नहीं करते हैं, तो सामने वाले का एटीट्यूड हमको बहुत आसानी से पता चल जाता है। तो इस अप्रोच के अंदर हमने क्या किया, इस मेथड में हमने क्या किया, सामने वाले के बिहेवियर के आधार पर हमने सामने वाले को नंबर दिए हैं, सामने वाले के बारे में हमने पता लगा लिया है। अब जो लास्ट है हमारे पास वो है 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसके अंदर क्या होने वाला है, इस के अंदर मान लो मैंने एक पर्सन का चेकिंग करना है तो वो चेकिंग बहुत लोग करेंगे। कौन कौन, टॉप लेवल मैनेजमेंट भी करेगा, सलाहकार भी करेगा, ग्राहक भी करेगा, स्वयं भी करेंगे, अधीक्षक। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए हम 360 डिग्री का रिव्यू लेने वाले हैं। मतलब जब संगठन के अंतर्गत सुपरवाइजर, टॉप लेवल मैनेजमेंट, कस्टमर, सलाहकार, अधीक्षक, अधीनस्थों, प्रबंधकों, कर्मचारियों द्वारा कार्य का मूल्यांकन किया जाता है तो इसे कहते हैं 360 डिग्री मूल्यांकन। तो जैसा कि आपको दिखाया हुआ है, तो इसमें जो परफॉर्मेंस अप्रेजल करनी है ना, निष्पादन मूल्यांकन करना है,
वो सभी ने करना है, चाहे वो इंप्लॉइज है, चाहे वो कस्टमर है, चाहे वो मैनेजमेंट है, चाहे वो सुपरवाइजर है या हम खुद हैं, सभी ने परफॉर्मेंस की चेकिंग करनी है। इसलिए हम इसको बोलते हैं 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल की हमने 9 ट्रेडिशनल टेक्निक डिस्कस की और 7 हमने मॉडर्न टेक्निक्स डिस्कस की। तो ये टॉपिक बहुत ईजी है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू के वाइज पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लेना आपका कहाँ का कवर हो सकता है। क्या लगता है टॉपिक समझ में आ गया यहां तक का? टेक्निक्स इजी थी ना? बस अब हम एक लास्ट टॉपिक लेके चल रहे हैं।